नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और गुड़िया भी अच्छी है, ठीक है। हम दोनों की तबीयत ठीक है। और इनके लगी थी कल चोट, इनके माथे पे यहाँ पे ना चोट लगी, एक्सीडेंट होगा। और इधर ये सो रहे हैं, ये देखिए माथे पे पट्टी बंध रही है। पता नहीं क्या हो रहा, एक ठीक नहीं होती दूसरी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं किसकी नजर लगी। वो टेंशन में रहती हूँ इस बात को लेके कि क्या सोचती हूँ क्या नहीं, क्या हो जाता है। कुछ बोलना चाहती हूँ दूसरी चीज बोल जाती है। तो दोस्तों आपको ये बताना था मुझे कि अब बस आरती बहन जाने की तैयारी हो रही है। आरती बहन जा रही है बाजार में कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि वो जाएगी कल और उसको हो गए हैं 15 दिन। वो रह भी लेती, उसकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को तो वो साथ लेके आई है, लड़की को, और बेटा घर पे ही है माँ जी के पास। और माँ जी भी उसकी अकेली है, और ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती उस बच्चे की। वो मतलब उसकी तबीयत हमेशा ही कभी ठीक हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। उसके कल बुखार भी चढ़ गया था, ठंड से बुखार चढ़ रहा। और स्कूल में भी जाता है, स्कूल की वजह से तो ज़्यादा ही उसे लेके नहीं आई, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो किसी का भी टाइम नहीं लगता, वो चाहे कोई भी हो। स्कूल का इतना होमवर्क मिलता है बच्चों को आजकल कि पूरा करना भारी हो जाता है। तो उसकी माँ जी के, वो अपनी माँ जी के पास है, उसकी माँ जी भेज देती है स्कूल में। बस ये क्या क्या है कि 15 दिन भी बहुत है भाई। ऐसे उसमें अपना नेक पूरा कर जाए नंद, इतना भी बहुत है। बाकी जो अब मैं खुद से अपने आप से उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, और बच्चे के भी कपड़े वपड़े जो मुझे बदलने होते हैं वो मैं बदल लेती हूँ आराम से बैठ के। मेरी अब फिलहाल इतनी तबीयत ठीक है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि रानी को बुला लूंगी, 1 महीना वो 1 महीना में रह लेगी तो मैं हो अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। बाकी का जो काम होता है ना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल में भेजना, वो अभी तो मुझसे नहीं होने का। बस ये है कि 1 महीना बाद मैं खुद से करने लगूंगी। तो अभी तो हमारी गुड़िया रानी सो रही है, ये देखिए आज इसके भी टीका लगाया है। टीका लगने के बाद में ऐसे सो रही, इसको दूध भी याद नहीं आ रहा कि मुझे दूध भी पीना है। नहीं, बराबर सो रही, उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाए, उठ जाए तो दूध पी ले, पर ये नहीं जाग रही। और इधर इसके पापा सो रहे हैं, ये देखिए। बहुत ज्यादा लग गई चोट, आइए मुझे कम बताते हैं, मैं इन्हें कम बताती हूँ। हमारे साथ पता है क्या होता है, मैं इन्हें ऐसे कम बताती हूँ कि ये टेंशन ना ले, और ये मुझे कम बताते हैं अपना दुख क्योंकि मैं टेंशन ना लूँ। हमारे साथ आजकल ऐसे हो रहा है, इनके ज्यादा चोट लगी है। रात मुझे ऐसे कह रही कि नहीं ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी लगी है, हल्की सी पट्टी बांध रखी है। और पता चला मुझे बाद में सुबह की 3 टंके भी आ गए। इन टंकों से तो मैं बहुत दुखी होगी, बहुत परेशान होगी। क्या होगा भगवान जी, ये टंके टंके। अभी तक तो हम इन अपनी तबीयत से नहीं निकले थे बाहर, अब इनके ऊपर मेरा मन नहीं लगता जब ऐसे सब घर में ऐसे तबीयत खराब होती रहती है। पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, कुछ दिनों से महीनों से बहुत कुछ ऐसा हो जा समझ में नहीं आता। मिष्टी को भी रात तो ठीक सोई थी, सुबह उठा तो उसके भी सिर में दर्द इतना तेज हो रहा था, उल्टी हुई। जब जाके उसे सुकून मिला, दवाई ला के दी, आज वो स्कूल में भी नहीं गई। तो अब मैं गए थे 3 बजे, 3 बजे गए थे मैं बाजार में। अब देखते हैं किस टाइम तक आते हैं बाजार में जाके, टाइम का पता नहीं चलता, कितनी भीड़ मिलती है या कितनी नहीं। साथ में मैंने फोन किया था रितु को, मका गई तू साथ में चली जा कपड़े दिलाना।
तो दोनों गई हैं रिक्शा से, क्योंकि मोटरसाइकिल पे तो दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि बच्ची भी है। अरे गुड्डो, हाँ नी, उठो बेटा, उठ जाओ। उठने का नाम नहीं ले रही, सो रही बराबर। बच्चों से ए गुचिया, उठो बेटा, उठ जाओ। आज मैंने इसके कपड़े बदल दिए और कपड़े हाथ मुंह धो के, ऐसा लग रहा है ऐसे कि तू नहा लिया, नहाने के बाद में जैसे सुकून से बच्चा सोता है ना, ऐसे सो रही। उठ जाओ, देखिए कैसे मुंह बना बना के उठेगी। चलो चलो कोई नहीं, मैं वीडियो शूट बाद में कर लूंगी, पहले तुम्हें देख लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपको जब आरती बहन आ जाएगी कपड़े खरीद के। आरती बहन कल को जाने वाली है, क्योंकि छोटा बेबी है वहाँ पे, छोटा लड़का है, इनको परेशान कर रहा है, तो इसलिए कल को जा रही है। देखिए कपड़े लेके आई, चलो पैंट है नीचे।